हेलो, राम राम जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। जय माता दी, हैप्पी दशहरा। आज दशहरा का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है, बच्चे नहा रहे हैं, मैं करने जा रही हूँ पूजा पाठ। आज बहुत ही यम्मी सा खाना बनेगा। आप सबने टाइटल थंबनेल और अभी शुरुआत में देख ही लिया होगा, मेरी फेवरेट कढ़ी, तो बेसन की यम्मी सी कढ़ी बनाऊंगी थोड़ी अलग तरीके से। आप लोग पूरा देखिएगा, जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओ जुल्म में मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गए सा समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जानते हो फ्रेंड्स, ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैंने इस चैनल को खड़ा किया है। इस जो आप लोग देखते हो ना, साधना रियल ब्लॉग चैनल, इसमें बड़ी मेहनत है। जैसे आप कोई दुकान खोलते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, सेम वैसे ही मेहनत मैंने इस चैनल में की है। ये कोई मामूली बात नहीं होती है कि हम कोई चैनल चला रहे हैं, उसे मोनेटाइज कर रहे हैं, 2 रुपए उससे कमा पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और इस चैनल को मैं अच्छे से नहीं अभी कंटिन्यू कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने ये गाना गाया कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने, तब जाके इस चैनल को मैं खड़ा कर पाई हूँ। और आज इसी चैनल को मैं डिमोटिवेट होके छोड़ना चाह रही हूँ। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब जस्ट छोड़ना चाह रही हूँ, मतलब अंदर से थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई हूँ। लगता है अरे चलता नहीं है, क्या मतलब है, थोड़ा सा कभी डाल दूंगी, वीडियो डाल दूंगी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो लोग मेरे इस बात से सोच रहे हैं, साधना दी ये गलत सोच रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, इससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट होंगी। मुझे लगता है आप सब मेरी बातों से भी समझ पा रहे होंगे, इस समय मैं सही बात बोलूं तो डीमोटिवेट हूँ इस चैनल की वजह से, कि इतनी मैंने मेहनत करी है, अभी उतना अर्न नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं शायद टाइम से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। जब हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है जिस चीज़ में, उस पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें मुझे उम्मीद कम हो रही है, इसलिए मैं ब्लॉग डेली नहीं डाल पा रही हूँ। खैर, इतनी सारी चीज़ें नहीं आपसे शेयर करती हूँ, आप सब भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। देखिए, पूजा पाठ हो गया है, चावल मैंने आज भगोने में बनाया है, अच्छा दिख रहा है, बस कुकर में नहीं बनाई हूँ, कोई रीज़न नहीं था, बस यूं ही नहीं बनाई हूँ। चावल पक गया है, दूध भी मैंने उबाल लिया है, एक तरफ रख दूंगी। मट्ठा आया हुआ है छाछ, हमारे पड़ोसियों के यहाँ से मैंने बच्चों को भेजा था, बच्चे ले आए हैं। आज कढ़ी मुझे बनानी थी, आटा मैंने गूंद के रख लिया है, इसमें कुछ पूड़ियाँ मैंने निकाला है आटे से, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे बहुत ज़्यादा भूख लगी, कढ़ी में टाइम लगेगा, तो उनके लिए मैंने पूड़ी चटनी बना दी है, वो खा चुके हैं। फिर मैं कढ़ी में लगी हूँ। कढ़ी में मैं आज बनाने जा रही हूँ क्या, प्याज आलू और हरी मिर्च की कढ़ी। मतलब कढ़ी में भी इसे डालूंगी, पकौड़ियों में भी डालूंगी, इसका फ्लेवर आ जाएगा। इसलिए पालक की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो पालक कभी घर में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने पालक नहीं डाला है। ये देखिए, थोड़ा सा बेसन ले ली हूँ, जो चीज़ें मैंने कट करी हैं उसे सबसे पहले पकौड़ी में डालूंगी, नमक डालूंगी, जो मैंने मसाले पीसे हुए गर्म वाले उसे मैंने इसमें डाल लिया है। रेडीमेड मसाले नहीं यूज करूंगी, क्योंकि जो हम गरम मसाले पीसते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं, उनका फ्लेवर भी और शुद्ध भी रहते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, बहुत अच्छे से फेंटूंगी, जिससे पकौड़ियाँ मेरी थोड़ी सी फूलें, क्योंकि जब पकौड़ियाँ फूली हुई होती है ना, तो हम कढ़ी में डालते हैं, उसमें भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे से इसे मिलाऊंगी। ये देखिए, यम्मी सी पकौड़ियाँ हमारी बनने लगी हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों को निकाल के दूंगी, हस्बैंड को बोल तो रही हूँ कि आप भी खा लीजिए। इनको क्या है ना, पकौड़ी बनाओ तो अमचूर की जो चटनी होती है ना, अमचूर की, उसे घोल के मिर्ची लहसुन डाल के दो तो ये खाते हैं। और अभी घर में अमचूर मैंने मंगाया नहीं, क्योंकि मट्ठा होता है और घर में थोड़ी बहुत खटाइयाँ भी है, उसे भी मैं रखी हूँ, तो अमचूर का ज़्यादा काम नहीं पड़ता, इसलिए मैं अमचूर की चटनी नहीं बनाऊंगी। बच्चों को मैंने दे दिया, यूँ ही खा लिए हैं बच्चे। ये देखिए, मिर्ची, तेज पत्ता और मीठी नीम का पत्ता, मेथी, इतनी चीज़ मैंने डाल दी है खड़े, मतलब तेज पत्ता पीसी नहीं हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर हमें चाहिए होता है, और जब हम छौंकते हैं ना, डाल देते हैं, तो फ्लेवर अपने आप आ जाता है। और थोड़े से आलू और प्याज, हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में जो मैंने कट करके रखा हुआ था, पकौड़े में डाली हूँ, उसको भी डाल दी हूँ, इसे ब्राउन होने तक पकाऊंगी।
देखिए अच्छे से मैंने पका लिया है। अब जो मसाले मैंने पीस रखे हैं उसे डाल देती हूँ। वैसे जब हम मसाले डालते हैं ना फ्रेंड्स, ऊपर से हमें ढक देना चाहिए, तो इसका जो महक होता है ना मेन, वो नहीं निकलता। और मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, कुछ ढकती नहीं हूँ, इसलिए निकल जाता महक। तो इसे अच्छे से पकाती रहूँगी, आप लोगों से बात भी कर लूँ। आप सब कहते होंगे ना साधना दी हमें मोटिवेट करती थी, भी साधना दी खुद डिमोटिवेट हो रही होता है कभी कभी। हमें लाइफ में फ्रेंड्स बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आपने गाय पाल रखी होगी, कोई कोई तो गाय पाला होगा ना, भैंसी भी पाले होंगे जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप अपने गाय की सेवा करें, खिलाएं पिलाएं। इतनी पकौड़ी देखिए बची है कड़ी के लिए, खिलाएं पिलाएं उसकी सेवा करें। अगर वो दूध ना दे आपको तो आपको कैसा लगेगा। तो जैसे हम अपना घर बनवा रहे हैं, पूरा घर हमारा बन के रेडी हो गया, उसका छत नहीं है, आप जब बारिश होगी आप भीगेंगे तो कैसा लगेगा आपको। तो मेरी सारी बातें कहने का मतलब ये है कि किसी काम में, किसी जानवर से, किसी इंसान से, अगर किसी भी चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं है ना, तो हमें वो लगता है कि अरे ये फालतू का काम है। तो इसी तरह भी ना चैनल से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे खुद से डिमोटिवेशन आ रहा है। ये नहीं कोई मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, समझ रहे हैं आप, ये बात होती है। और मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अपना काम छोड़ दूँ या काम ना करूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच रही हूँ। केवल ये है कि इससे मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा। अगर डेली मान लो कि मेरे व्यूज हाई फाई आने लगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगी वीडियो अच्छी अच्छी बनाने के लिए। पर पता नहीं आप सब सपोर्ट क्यों नहीं करते। और बातें कभी खत्म नहीं होंगी ना, हम सबके कभी दर्द खत्म होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम सबको बनी ही रहती है, कभी करियर से रिलेटेड, कभी किसी से रिलेटेड। छोड़ते हैं, भाड़ में जाए भगवान का नाम लेते हैं और यम्मी से हमारी जो कड़ी बन रही ना उसे इंजॉय करते हैं, है ना। देखिए चला दी हूँ अच्छे से, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है जो आप लोगों ने देखा ही होगा। और सच बोल रही हूँ, इतनी यम्मी सी महक आ रही है कढ़ी की कि बता नहीं सकती हूँ। पकौड़ियाँ भी मैंने डाल दी है। जब मैं पानी डाल रही थी ना, मुझे लगता था पानी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत पतली कढ़ी मुझे नहीं अच्छी लगती और बहुत गड्ढी कढ़ी हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती। तो मुझे ना थोड़ा सा मीडियम में बनाना पड़ता है, ना बहुत गाढ़ी होने पाए ना बहुत पतली होने पाए, जिससे बच्चे भी खाएं खुश रहें भाई, हस्बैंड भी खाएं। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए हम कोई चीज़ अच्छे से अच्छी बनाना चाहते हैं ना, फिर भी अगर वो किसी बात पे कमी निकाल देना कि अरे ये चीज़ अच्छा नहीं, तो बहुत गुस्सा आती है मुझे। ये देखिए कढ़ी बन गई है, कढ़ी चावल मैं खाने जा रही हूँ, बच्चों को मैंने दे दिया है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई कमी निकाले खाने में, क्योंकि देखो खाना औरतें बनाती हैं हस्बैंड लोगों के लिए, और अच्छा बनाएं उन्हें अच्छा लगे तभी औरतों को अच्छा लगता है। सबको खिला दिया है मैंने, पूरा मेरा किचन लगता है कि मेरा है ही नहीं, किसी और का है, मैं यहाँ मेहमान आ गई हूँ। हस्बैंड भी रोटी नहीं खाए हैं, बोल रहे थे कढ़ी चावल ही दे दो, तुम लोग खा रहे हो मुझे देख के अच्छा लग रहा है, मैं भी आज कढ़ी चावल ही खाऊंगा। तो रोटियाँ नहीं सेकी हूँ, तो आटा मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। सोच रही हूँ कि से पूड़ियाँ निकाल के रख दूँ कि रोटियाँ सेक दूँ, सोच रही हूँ सिर्फ। लेकिन अभी इतना गर्मी नहीं है ना, तो ऐसे ही रखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। शाम के 5-6 बजे तक सेक के रोटी रख दूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ का सारा हटाती हूँ, जो बर्तन में खाना है उसे निकाल के रख देती हूँ और बर्तन ले जाऊँगी, धुलूँगी। कपड़े वैसे ही पड़े हैं सुबह से, उनको रखूँगी। आज दशहरा है तो माता रानी के दर्शन को भी जाना होगा, थोड़ा सा मेला भी घूमेंगे, तो शाम तक खास होगा ब्लॉग। तो इसीलिए मैं सारे बर्तन यहाँ निकाल के रख दी हूँ, कपड़े हटा दूँगी, सारा घर साफ वाफ करके बिंदास फिर रेडी होके चलेंगे माता के दरबार। कल तो माँ चली जाएंगी हम सबको छोड़ के। 9 दिन बीत गए, 10वां दिन है ये, दशहरा आ गया और समझ में नहीं आया कब माता आई हैं कब चली जाएंगी। हर चीज़ एक टाइम है फ्रेंड्स, तो हम तो इंसान है ना, हर चीज़ की एक टाइमिंग है। हम लोग हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं, हमारा भाग्य क्यों नहीं चमक रहा, हम ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं, सारी चीज़ें अगर लिखी हुई है फ्रेंड्स हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो कैसे हम अपने हिसाब से कुछ चला सकते, नहीं चला सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। किसी ने कहा है कि जन्म मरण साथी, 2-3 चीज़ें हैं मुझे पूरे याद नहीं है, आप लोग बताना कमेंट करके, जो हमारे हिसाब से नहीं मिलती, हमें भगवान के हिसाब से ही होता है। फिर भी हम सब सोचते हैं ऐसे, ये हमें ऐसा इंसान क्यों मिल गया, मिल गई, हमें ये कहे है वो कहे है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि सब चीज़ प्रभु के हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कर्म। चलिए फिर इससे आगे का ब्लॉग मैं दशहरा वाला कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।